हाय एवरीवन, दिस इज आशना परवीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो जो है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दैट इज आईजीएमसी नागपुर कैंपस टूर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। प्रॉपर व्लॉग इस पे आज तक मैंने नहीं बनाया है, प्रॉपर कैंपस टूर पे अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैंपस टूर। दिस इज द आउटर एरिया ऑफ द कॉलेज एंड कॉलेज का डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से ओनली 600 meters है, तो आप इजिली किसी भी ऑटो से पास में ही है तो आ सकते हैं। आईजीएमसी नागपुर को लोकली मेयो हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। लेट्स गो इनसाइड द कैंपस नाउ। ऑन एंट्रिंग देयर इज एन ATM ऑन द लेफ्ट साइड एंड अपोजिट टू दैट दैट्स द OPD। दिस इज द नर्सिंग कॉलेज जहाँ पे BSc नर्सिंग कोर्स अवेलेबल है। दिस इज द कैजुअल्टी बिल्डिंग एंड यहाँ पर 24/7 ओपन रहता है। नाउ कम्स द OPD, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड यू कैन सी द क्राउड। डेली अप्रॉक्सिमेटली 2500+ पेशेंट्स कम हेयर इन OPD। एंड फॉर द क्लिनिकल पोस्टिंग्स हम लोग OPD में भी आते हैं एंड वार्ड्स में भी जाते हैं, तो यहीं पर OPD में आते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स इसमें ही अवेलेबल हैं। दिस इज द बैक गेट ऑफ OPD एंड बिसाइड OPD अदर डिपार्टमेंट्स आर देयर, रेडियोलॉजी, गायनेकोलॉजी। दिस इज द IPD ऑफ IGMC नागपुर, दैट इज सर्जिकल कॉम्प्लेक्स। इसमें वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेक्चर हॉल्स सब कुछ है। एंड अपोजिट टू दिस बिल्डिंग एक और न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है फॉर मोर बेड्स। आफ्टर हॉस्पिटल एरिया लेट्स गो टू द कॉलेज एरिया। This is the Dean's office building and if you are coming for admission then go to the third floor of this building for admission, whether UG or PG admission. इसी building में अभी lecture hall भी है UG students first year and second year के लिए, ये lecture hall होता है। This is the multi-purpose building and इसमें mostly first year के students के सारे departments है, like anatomy department and biochemistry department. Let me show you. ग्राउंड फ्लोर पे डायसेक्शन हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट है एंड सेकंड फ्लोर पर ही है यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसके आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा के कोई भी अपने जो बुक्स हैं उसे इश्यू करवा सकते हैं। थर्ड फ्लोर पे बायोकेम डिपार्टमेंट है एंड फोर्थ फ्लोर पर एक और लेक्चर हॉल है, डेट इज MET हॉल। इसके अपोजिट में ओल्ड LH है जो कि इंटर्न्स के लिए होता है एंड दिस इज गर्ल्स हॉस्टल और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बिल्डिंग। सो दिस इज द न्यू बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें और भी कंस्ट्रक्शंस आगे चालू हैं। अभी बन तो गया है बट पूरा फुली फर्निश्ड नहीं हुआ है एंड यू नो गवर्नमेंट वर्क, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। इसके बाद और भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अपनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें खुद के क्लासेस वो लोग लेते हैं, लाइक फिजियोलॉजी, मेडिसिन, FMT, PSM एंड और भी डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स अभी कंस्ट्रक्शन में है। दिस इज द सेंट्रल पार्ट आउटसाइड द कैंटीन एरिया एंड यहीं पर कॉलेज का कैंटीन भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में आ जाता है हॉस्टल एरिया। दिस वाइट बिल्डिंग इज द गर्ल्स हॉस्टल, बिसाइड दैट दैट इज द बॉयज हॉस्टल एंड उसी के पास में है न्यू रेजिडेंट हॉस्टल फॉर PGs। लास्ट पार्ट कैंपस का एक और आ जाता है, दैट इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एरिया इस कॉलेज में मतलब अवेलेबल नहीं है अलग से कुछ भी कि हाँ अलग से कोई स्पोर्ट्स एरिया बना रखा हो। एक बास्केटबॉल कोर्ट है बीच में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में, तो वहाँ पर जिसको अगर खेलना होता है थोड़ा बहुत खेलते हैं, बट ऐसे अलग से कुछ भी स्पेशली नहीं है यहाँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हॉस्टल से रिलेटेड जो है मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी। एंड हॉस्टल की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे पास कि फर्स्ट ईयर को हॉस्टल मिल रहा है या नहीं, तो इस वीडियो में ही इसको क्लियर कर देती हूँ कि अभी फर्स्ट ईयर जो 24 बैच के स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए अभी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ना गर्ल्स का अवेलेबल है ना बॉयज का अवेलेबल है। थोड़े दिन बाद जो है वो सेटल हो सकता है, बट अभी एट द मोमेंट तो कहीं भी रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से आप लोग को बाहर में PGs एंड हॉस्टल्स आप लोग देख सकते हैं।
कॉलेज के आउटसाइड में अवेलेबल है पीजीज एंड हॉस्टल, तो आप लोगों को प्राइवेटली रेंट पे लेना पड़ेगा अभी के लिए। आगे जो है हॉस्टल टूर जो है आप लोग का दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी अगर आईजीएमसी नागपुर भर रहे हैं या नागपुर आने का सोच रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।